नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे सिलेबस के आधार पे। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अब डेली MCQs की सीरीज़ लेके आते हैं, जो सभी टॉपिक्स के हिसाब से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और सभी टॉपिक्स पिछले दो वीडियोज़ में हम लोग वर्णमाला पढ़ चुके हैं और संज्ञा की एक सीरीज़ पूरी हो चुकी है। आज की वीडियो में हम संज्ञा को आगे बढ़ाते हुए संज्ञा के अगले पार्ट को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिस पे आप जुड़ सकते हैं और क्लासेस की जानकारी ले सकते हैं। फिर ये हमारा इंस्टाग्राम है, आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे आप हमें सर्च कर सकते हैं सिलेक्शन मेंटर के नाम से। ये हमारा लोगो है, हमारे सर का फोटो दिखेगा आपको। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की सीरीज को, जिसका पार्ट संज्ञा का, जिसने भी पहला पार्ट ना देखा हो तो प्लीज़ प्ले पहला पार्ट चेक कर लीजिए और आज के टॉपिक में हम लोग संज्ञा का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। इसके साथ ही स्क्रीन पे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहा जाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहा जाता है, तो इसे संज्ञा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है, संज्ञा कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे पूछा है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, जल्दी से बताइए। चार ऑप्शन हैं आपके पास, 4, 5, 6 या फिर 7। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर हमसे व्युत्पत्ति के आधार पर पूछा जाता है तो हम संज्ञा के सिर्फ 3 भेद बताते हैं। कितने बताते हैं, सिर्फ 3 भेद बताते हैं। लेकिन यहाँ हमसे अर्थ के आधार पर पूछा जा रहा है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर, जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में चर्चा भी किया था कि अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। फिर से देख लेते हैं कौन कौन से 5 प्रकार होते हैं, जिसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा पहली, व्यक्तिवाचक संज्ञा दूसरी, जातिवाचक संज्ञा दूसरी, जातिवाचक संज्ञा ये दूसरी है, और इसके साथ ही तीसरी भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब अर्थ के आधार पर हम लोग देखेंगे कि इस जातिवाचक के भी हम 2 भेद कर लेते हैं, जिसमें द्रव्यवाचक आ जाती है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरी आ जाती है समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा कि अर्थ के आधार पर अगर आपसे संज्ञा पूछी जा रही है तो आप 5 मार्क करेंगे कि ऑप्शन बी इज अ करेक्ट। इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट है कि अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, पहली व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि जिन शब्द संज्ञा शब्दों से पदार्थों के ठोस, द्रव, गैस का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं। कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी, कोई भी ठोस पदार्थ आ जाए, द्रव आ जाए या कोई भी गैस आ जाए, तो ऐसी जगह पर होने वाली संज्ञा कौन सी संज्ञा होती है। ऑप्शन ए द्रव्यवाचक संज्ञा, बी समूहवाचक संज्ञा, सी जातिवाचक संज्ञा और डी भाववाचक संज्ञा। जल्दी से बताइए कि कौन सा आंसर इसका करेक्ट हो सकता है। जिसमें पूछा है कि जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों के ठोस, द्रव, गैस का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो ध्यान रखिए कि जिस भी संज्ञा में आपसे ठोस, किसी भी ठोस पदार्थ, किसी भी द्रव पदार्थ, किसी भी गैस पदार्थ की बात की जा रही हो, तो ये सारे ही पदार्थ हैं। और जो किसी में भी अगर इन सभी पदार्थों की चर्चा होती है तो ये सभी किसमें आते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। सो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर कि इसमें पूछा है ठोस, द्रव, गैस। अब इसमें से आपको कोई भी पदार्थ दे दिया जाए, पानी, तेल, बर्फ, ये सभी किसमें आएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा के ही उदाहरण हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। इसमें 4 संज्ञा शब्द दिए गए हैं आपको और पूछा है कि निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द बताना है आपको कि संज्ञा शब्द कौन सा है, जिसमें ए अभिमानी, बी लालची, सी स्वार्थी और डी
रमन, यहाँ पे रमन नाम लिखा हुआ है किसी का, ये पर्टिकुलर किसी का नाम दिया गया है, जिसमें आपको बताना है कि इन चारों में से संज्ञा शब्द कौन सा हो सकता है। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा जिसमें संज्ञा शब्द की बात की जा रही हो। सो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, जिसमें किस जैसा कि हम पीछे पढ़ के आए थे कि जब किसी भी व्यक्ति की बात की जा रही हो जिसमें उसका नाम दिया गया हो तो ऐसे शब्द ही संज्ञा होते हैं, लेकिन इन तीनों में दिया गया है किसी का भी पर्टिकुलर कोई नाम नहीं है, तो ये सब किसी भी संज्ञा शब्द को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर ये ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर, इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा जिसमें रमन किसी का नाम दिया गया है और यही क्या है संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा है कि ममत्व एक शब्द दिया गया है आपको, ममत्व एक शब्द दिया गया है, इस शब्द में कौन सी संज्ञा है ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए और चार ऑप्शंस आपके हैं, ऑप्शन नंबर ए समूहवाचक संज्ञा, बी भाववाचक संज्ञा, सी जातिवाचक संज्ञा और डी द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें पूछा है कि ममत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। जैसा कि हम लोगों ने कल चर्चा किया था कि अगर कहीं पर भी आपका मानव शब्द लिखा है तो इस मानव से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी, मानव से बनने वाली भाववाचक संज्ञा अगर आपसे पूछी जाए तो आप लिखेंगे मानवता। क्या क्या लिखेंगे? मानवता। इसी प्रकार आपको यहाँ पर एक ममत्व शब्द दिया गया है और ममत्व शब्द से, ममत्व शब्द क्या है, भाववाचक है, किसका भाववाचक है, तो ये ममता शब्द का भाववाचक है, ममत्व शब्द जो है वो ममता शब्द का भाववाचक है। तो बस यही आपसे पूछा है कि ममत्व जो है वो ममता का ही भाववाचक बना हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा कि ममत्व शब्द एक भाववाचक संज्ञा है। कौन सी है? भाववाचक संज्ञा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ ही लाइक और शेयर जरूर करिए जिससे कि हम और भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए ला सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा है कि एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराने वाली, एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराने वाली संज्ञा को कौन सी संज्ञा कहा जाता है या कौन सी संज्ञा का भेद माना जाता है। एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध कराने वाली संज्ञा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा और डी समूहवाचक संज्ञा। जल्दी से बताइए क्या हो सकता है इसका बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक और डी समूहवाचक। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा? तो जहाँ तक आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इस क्वेश्चन में पूछा है कि एक ही प्रकार की वस्तुओं का, अर्थात ऐसे शब्द जहाँ पर हमें, जैसे कि यहाँ पे कोई भी शब्द, उदाहरण मैं दे रही हूँ आपको, जैसे कोई भी शब्द लिखा है जानवर, अब इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, हमें किसी का भी पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया है। अगर हम यहीं पर लिख देते हैं कि पक्षी, तो यहाँ पर भी कई सारे पक्षियों की बात हो रही है, कोई भी पर्टिकुलर किसी तोता या कोयल की बात नहीं की जा रही है। इस प्रकार इनसे इनकी जाति का पता चल रहा है। किसका पता चल रहा है? इनकी जाति का पता चल रहा है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगी। सो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। जब आपसे एक ही जाति या एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध हो तो आपका जातिवाचक संज्ञा वहां पर होती है। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। जब एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध हो तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा है कि लड़का दौड़ रहा है, लड़का दौड़ रहा है, रेखांकित शब्द का भाववाचक संज्ञा संज्ञा बनाइए। लड़का दौड़ रहा है, रेखांकित शब्द का भाववाचक संज्ञा। इसका मतलब आपसे ये पूछा है कि जो लड़का शब्द है, लड़का का आपको भाववाचक बनाना है, भाववाचक बनाना है, लड़का शब्द का भाववाचक भाववाचक संज्ञा बनानी है आपको। चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं यहाँ पे, लड़कपन, लड़के, लड़काई, यहाँ पे लड़काई या फिर लड़कापन। जल्दी से बताइए कौन सा, जैसे कि कल हम लोगों ने एक शब्द चर्चा की थी जिसमें हम लोगों ने एक शब्द देखा था बच्चा। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस बच्चा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा, तो हम लोगों ने देखा था कि ये बनेगी बचपन। बचपन एक भाववाचक संज्ञा है और ये किस शब्द से बनी हुई है? बच्चा शब्द से। और इसमें कौन सी संज्ञा आई है? भाववाचक संज्ञा। बस ऐसे ही बिल्कुल ये भी है कि लड़का शब्द से जो भाववाचक बनता है
वो आ जाता है लड़कपन, लड़का शब्द से बनने वाली भाववाचक संज्ञा लड़कपन। इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा कि लड़का शब्द से बनने वाली भाववाचक संज्ञा लड़कपन होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा है कि बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। निम्नलिखित रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए, अर्थात आपको ये बताना है कि ये जो बुढ़ापा शब्द आपको दिया गया है, इस बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा और डी द्रव्यवाचक संज्ञा। जल्दी से बताइए क्या हो सकता है इसका बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो बुढ़ापा शब्द है ये एक प्रकार की दशा की बात की जा रही है, कि एक प्रकार की दशा का वर्णन हो रहा है और ये सभी जिस प्रकार की दशाएं होती हैं, बचपन, बुढ़ापा, ये सभी किस में आती हैं, तो इन सब ये सभी भाववाचक संज्ञा का ही एक उदाहरण है। सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर कि जो बुढ़ापा शब्द है वो भाववाचक संज्ञा का ही एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चार ऑप्शन आपको दिए हैं जिसमें ऑप्शन ए शेर, बी नदी, सी जानवर और डी पक्षी। निम्नलिखित में से इन चारों ऑप्शंस में आपको ये बताना है कि व्यक्तिवाचक उदाहरण संज्ञा का कौन सा उदाहरण होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का कौन सा उदाहरण होगा। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि ऑप्शन ए में आपको शेर दिया है जबकि बी में नदी है, लेकिन हमें इसका नाम नहीं बताया जा रहा है कि ये गंगा है, यमुना है या कौन सी नदी है। जानवर है लेकिन इसका नाम नहीं पता है कि ये हाथी है, शेर है, कौन सा है। लेकिन सी, इसी तरह डी में पक्षी है, पता नहीं है कि यहाँ पर तोता है या मैना है, कौन सा है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ये सभी एक जाति दी गई है, लेकिन हमसे पूछा है यहाँ पे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा बतानी है। तो बेटा व्यक्तिवाचक में आप ऑप्शन ए जो देख रहे हैं वो किसी भी जाति का पर्टिकुलर एक नाम दिया गया है, मतलब जानवर में एक नाम बताया गया है जो कि शेर। सो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि शेर यहां पर किसी भी जानवर का एक पर्टिकुलर नाम बताया गया है। आशा है आप समझ पा रहे होंगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कर पा रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है कि भारत में पशु कई तरह के पाए जाते हैं, भारत में पशु कई तरह के पाए जाते हैं, मतलब अलग अलग प्रजातियों के पाए जाते हैं। इसमें भी आपको ये जो पशु शब्द है इसमें संज्ञा बतानी है कि इस पशु शब्द में जातिवाचक संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा होगी या फिर समूहवाचक संज्ञा होगी। जल्दी से बताइए कि इस पशु शब्द में कौन सी संज्ञा पाई जाती है, जल्दी से बताइए। तो जैसा कि पीछे वाले क्वेश्चंस में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 में देखा कि जैसे कि जानवर एक शब्द लिखा हुआ था और इस जानवर में हमें ये नहीं पता था कि ये कौन से जानवर की बात हो रही है, इसी प्रकार यहाँ पे ये भी लिखा है कि पशु। अब इस पशु में हमें कोई नाम नहीं दिया गया है कि ये कौन सा पशु है, इसलिए ये पशु जो है वो एक तरह की जाति की बात बता रहा है कि पशु जो है वो एक जाति है। इस तरह ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा आपका, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट कि पशु जो है वो जातिवाचक संज्ञा का ही एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे बोला है कि दीपक का परिवार आगरा में रहता है, फिर से सुन लीजिए, दीपक का परिवार आगरा में रहता है, रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। रेखांकित शब्द है आगरा और इस आगरा में कौन सी संज्ञा होगी, जल्दी से बताइए कि आगरा में कौन सी संज्ञा होगी। और आगरा के साथ साथ इस क्वेश्चन में आपको ये भी बताना है कि जो परिवार शब्द है इसमें भी कौन सी संज्ञा होगी। तो ध्यान रखिए, अब ये जो परिवार शब्द है इसमें ऐसा तो नहीं है कि एक से ही परिवार होता है, कई सारे लोग होते हैं तभी हमारा क्या बनता है, परिवार बनता है। अब इस परिवार में कई लोग होते हैं, अर्थात जब भी किसी भी चीज़ में कई लोगों का एक समूह बन जाता है तो ये क्या हो जाती है, एक समूहवाचक संज्ञा बन जाती है। कौन सी होती है, समूहवाचक संज्ञा बन जाती है, अर्थात परिवार में बनने वाली संज्ञा समूहवाचक संज्ञा होगी। और हमसे क्वेश्चन में पूछा है
कि आगरा जो है, आगरा, आगरा में कौन सी संज्ञा है। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं पीछे क्वेश्चंस में हमने चर्चा किया कि यहाँ पर हमसे ये नहीं कहा है कि दीपक का परिवार शहर में रहता है। अगर शहर बोला जाता तो हम जातिवाचक पे मार्क करते, क्योंकि हमें पता नहीं था कि कौन से शहर की बात हो रही है। लेकिन अब यहाँ पे आगरा का पर्टिकुलर नाम दिया गया है, इसलिए हम लोग किस पे मार्क करेंगे। आगरा जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का ही उदाहरण है। आशा है आपको समझ आ रहा होगा और आंसर्स मार्क कर पा रहे होंगे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, आगरा में व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द कौन सा नहीं है। इस नहीं शब्द पे जरूर ध्यान रखा करिए कि नहीं में हमेशा डाउट होता है कि है ये पूछा है या फिर नहीं पूछा है। तो निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द नहीं है, और चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं जिसमें ऑप्शन ए खजाना, बी फल, सी सागर और डी डराना। जल्दी से बताइए कि इन चारों ऑप्शंस में कौन सा है जिसमें संज्ञा का प्रयोग नहीं हुआ है या संज्ञा शब्द नहीं है। जल्दी से बताइए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें खजाना, खजाना, फल, सागर ये सभी संज्ञा के ही उदाहरण हैं। खजाना, फल, सागर ये सभी संज्ञा के ही उदाहरण हैं, पर डराना, डराना ये एक प्रकार की क्रिया है। डराना, खिलाना ये सभी क्या हैं, क्रियाएं हैं। क्या हैं, क्रियाएं हैं, अर्थात यहाँ पर संज्ञा का कोई भी ये जो ऑप्शन डी है आपका ये उदाहरण नहीं होगा। तो इसलिए ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट आंसर। आपसे पूछा है कि संज्ञा कौन सा नहीं था, तो ऑप्शन डी है जो आपका संज्ञा नहीं है, अर्थात बाकी ऊपर के जो ये दो तीनों दिए हैं ये सभी क्या हैं, संज्ञा शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे बोला है कि दीपू एक ईमानदार ऑफिसर है। रेखांकित शब्द में संज्ञा बताइए। दीपू एक ईमानदार ऑफिसर है, इस ऑफिसर शब्द में अंडरलाइन है और आपको बताना है कि इसमें कौन सी संज्ञा होगी। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा और डी समूहवाचक संज्ञा। जल्दी से बताइए क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर। तो इसमें ऑफिसर की बात की गई है, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो ऑफिसर हैं वो फीमेल्स भी हो सकती हैं और मेल भी हो सकते हैं, इसलिए ये जो ऑफिसर शब्द है यहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी। तो ये एक प्रकार की जातिवाचक संज्ञा होगी। ऑफिसर एक प्रकार की जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑफिसर में जातिवाचक संज्ञा बिल्कुल सही होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा है कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ दिए गए हैं, जैसा कि परिवार एक शब्द दिया गया है जिसकी हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन में ही चर्चा की कि परिवार जो है कई लोगों का एक समूह होता है। हाँ, बताएंगे आप किसमें कौन सी संज्ञा होती है। परिवार समूह होता है, इसलिए इसमें समूहवाचक संज्ञा होती है। परिवार में समूहवाचक संज्ञा होती है। फिर उसके बाद आ जाता है पानी और मनुष्य। अब मनुष्य है, उसके बाद पानी है, बालक है। जल्दी से बताइए कि इसमें कौन सा सही होगा। तो इसमें ऑप्शन, जल्दी से करेक्ट बताइए कौन सा सही होगा। तो इसमें ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर कि हम लोगों ने पीछे देखा कि जो पानी है वो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जातिवाचक का ही कौन सा रूप है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। जातिवाचक का ही द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है। निम्नलिखित में से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है। द्रव्यवाचक का मतलब आप सभी समझ चुके होंगे कि द्रव्यवाचक संज्ञाएं वही होती हैं जिसमें किसी प्रकार के द्रव्य हो या फिर पदार्थ हो या फिर कोई धातुएं दी जा रही हों। तो यहाँ पर जल्दी से बताइए कि द्रव्यवाचक शब्द, द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कौन सा हो सकता है। ऑप्शन ए नर्मदा, बी शिक्षक, सी बैल और डी कोयला। क्या हो सकता है इसका करेक्ट आंसर। तो इसमें जो कोयला शब्द आपको दिया जा रहा है, ये कोयला शब्द बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट कि कोयला जो है वो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है, आशा है आप सभी को ये सारे ही क्वेश्चंस क्लियर होंगे एमसीक्यूज के, और इन दो वीडियो से हमने संज्ञा के सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस की सीरीज सॉल्व की। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
और यहाँ से अपने सभी क्वेश्चंस की सीरीज को एंड करते हैं। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, जिससे कि हम और भी अच्छे से अच्छे एमसीक्यूज क्वेश्चंस की सीरीज ला पाए। और आप सभी जिसने भी पीछे के वीडियोस नहीं देखे हो, वर्णमाला और संज्ञा का पहला वीडियो जरूर देखें, उसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा की है। आप लाइक शेयर करिए जिससे कि हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए ला पाए टॉपिक वाइज। ओके, और ये हमारा कोचिंग का कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, अगर आपको क्लासेस से रिलेटेड कोई भी डिटेल चाहिए हो तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।